नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज निचोड़। मंगलवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस पर डालते हैं एक नजर। गोवा के 2 कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर और दयानंद सोपटे बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करने के बाद इन दो विधायकों ने बीजेपी में आने का ऐलान किया। इलाहाबाद आज से आधिकारिक तौर पर प्रयागराज हो गया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने आज नाम के बदलाव के प्रस्ताव पर मोहर लगा दिया है। सिर्फ जिले का ही नाम प्रयागराज नहीं होगा, बल्कि जहां भी इलाहाबाद नाम का प्रयोग किया गया है उसका नाम भी बदलकर प्रयागराज हो जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। बीते महीनों उन्होंने प्रशांत किशोर को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। हरियाणा के हिसार में सतलोक आश्रम चलाने वाले रामपाल को 4 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने संत रामपाल पर 1,00,000 का जुर्माना भी लगाया है और इस मामले में अन्य 14 आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा हुई है। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर एक और महिला पत्रकार ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। मीटू कैंपेन में तुषिता पटेल ने एक ओपन लेटर के जरिए आपबीती लिखी है। उधर प्रिया रमानी पर किए मानहानि के मुकदमे की पटियाला हाउस कोर्ट 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। मंगलवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हिंदी.firstpost.com के साथ।